महारो राजस्थान का वक्त हुआ। नमस्कार, मैं रविंद्र सिंह आपके साथ। सूर्य नमस्कार, जमीयत का इनकार। जी हां, साफ तौर पर शिक्षा मंत्री मदन दिलावर का आदेश, या कहें कि सरकार का आदेश मानने से जमीयत ने इनकार कर दिया है। जमीयत ने मुस्लिम बच्चों को, छात्रों को, छात्राओं को सूर्य नमस्कार से रोक दिया है। नहीं करना है सूर्य नमस्कार, यह आदेश जारी किया है। सलाह नहीं दिया, यह आदेश जारी किया है। प्रदेश में एक तरफ सभी स्कूलों में एक साथ सूर्य नमस्कार कराने की 15 फरवरी को तैयारी चल रही है, वहीं दूसरी तरफ इस पर सियासी संग्राम छिड़ गया है। इस्लामिक संगठनों में सरकार के इस आदेश पर आपत्ति जताते हुए हाई कोर्ट का भी रुख कर लिया, उसके खिलाफ याचिका डाल दी है, जिस पर कल सुनवाई होगी। दरअसल 15 फरवरी, समझाते हैं पूरा मामला आपको। 15 फरवरी को सूर्य सप्तमी के अवसर पर सभी स्कूलों में सूर्य नमस्कार अनिवार्य करने के निर्देश जारी किए गए, जिसको लेकर जमीयत उलेमाए राजस्थान की वर्किंग कमेटी ने राजस्थान के जयपुर में एक मीटिंग रखी। इस मीटिंग में फैसला लिया गया, फैसला सुनाया गया 15 फरवरी को स्कूलों में सूर्य नमस्कार की अनिवार्यता के मद्देनजर मुसलमान समुदाय धर्म के लोग अपने बच्चों को स्कूल ना भेजें। इसके अलावा कमेटी द्वारा सूर्य सप्तमी के खिलाफ राजस्थान हाई कोर्ट में एक अर्जी भी दाखिल कर दी गई। वहीं मंत्री मदन दिलावर ने कहा है कि सूर्य भगवान का जन्मदिन हम जोर शोर से मनाएंगे, मां बाप स्वतंत्र हैं, बच्चों को स्कूल भेजें ना भेजें। उन्होंने कहा कि बच्चे ही नहीं, हर व्यक्ति सूर्य नमस्कार करे तो यह जंग किस रूप में आगे बढ़ेगी। कल का दिन महत्वपूर्ण, अदालत में सुनवाई होगी। परसों का दिन महत्वपूर्ण, जिस दिन सूर्य नमस्कार होना है। कई सारे बयान निकलकर सामने आए हैं, और क्या कुछ आज इस खबर में डेवलपमेंट हुआ है, आइए देखते हैं। यह आदेश दिया है शिक्षा विभाग को, सूर्य नमस्कार का अभ्यास 15 दिन रोज करें। सूर्य नमस्कार पर तकरार, जमीयत उलेमा हिंद का बड़ा ऐलान, सूर्य नमस्कार का होगा बहिष्कार। फैसले के विरोध, हाईकोर्ट पहुंचे मुस्लिम संगठन। 14 फरवरी को हाईकोर्ट में सुनवाई। एक तरफ सूर्य नमस्कार के कार्यक्रम का बहिष्कार और दूसरी तरफ हाईकोर्ट में सरकार के फैसले के खिलाफ हाईकोर्ट में याचिका। ये तमाम घटनाक्रम जाहिर कर रहे हैं कि सूर्य नमस्कार पर प्रदेश सरकार का जो रुख है वो मुस्लिम संगठनों को बर्दाश्त नहीं है। जयपुर में जमीयत उलेमा हिंद की प्रदेश कार्यकारिणी में स्कूलों में सूर्य नमस्कार के फैसले के खिलाफ बाकायदा एक प्रस्ताव लाया गया, जहां मुस्लिम छात्रों से और उनके अभिभावकों से 15 फरवरी को रोज स्कूल न जाने की अपील की गई है। ये बदमाश लोग हैं, हालात बदल रहे हैं, चूंकि यहाँ पर अभी सरकार बदल गई है, तो ये लोग छेड़खानी करने के लिए, इलेक्शन जीतने के लिए, मुसलमानों को भड़काने के लिए और हिंदू मुस्लिम करने के लिए इस किस्म की हरकतें कर रहे हैं। इसलिए हमें अपने बच्चों के दीन ईमान को बचाने के लिए सबसे पहला काम अभी से ही, आज से ही आपको ये करना है। पूरी ताकत लगाकर खाना भी बाद में खाना है कि ये पैगाम जो है मुसलमानों तक पहुंचे और आपके हर जिले में जाकर के तमाम जिले के तमाम ग्रुपों में डालकर और मस्जिद के जरिए 5 वक्त ये ऐलान करें कि 15 तारीख को सूर्य नमस्कार करने के लिए बच्चे स्कूल न जाए। स्कूलों में सामूहिक रूप से सूर्य नमस्कार होगा या नहीं, ये बुधवार को राजस्थान हाई कोर्ट फैसला करेगा। लेकिन उससे पहले स्कूलों में सूर्य नमस्कार का कानून के दर पर पहुंच गया है। इस्लामिक संगठनों ने सरकार से इस फैसले को वापस लेने की अपील की है, लेकिन नई सरकार के बनने के बाद प्रदेश के शिक्षा मंत्री कई मौकों पर ये साफ कर चुके हैं कि स्कूलों में हर हाल में सूर्य नमस्कार को लागू किया जाएगा। 15 फरवरी को एक विशाल स्थिति में, विशाल काय यानी बड़ी संख्या में सभी विद्यालय गांवों में, शिक्षण संस्थाओं में, कोचिंग क्लासेज में, सरकारी गैर सरकारी विद्यालयों में आध्यात्मिक कार्यकर्ता उनका भी सहयोग लेकर के और बड़ी संख्या में हम सूर्य नमस्कार करेंगे। 15 फरवरी को शिक्षा विभाग ने सभी विभागों, सभी ग्राम और शहर वासियों का सहयोग लेते हुए सूर्य सप्तमी के दिन सूर्य नमस्कार करने की योजना बनाई है। मुस्लिम संगठनों की दलील है कि हिंदू समाज सूर्य को भगवान के रूप में पूजते हैं, जबकि इस्लाम में अल्लाह के सिवाय किसी दूसरे की पूजा करना गुनाह है। लेकिन इस बीच सवाल ये उठता है कि क्या वाकई सूर्य नमस्कार का संबंध धर्म विशेष से है या फिर शरीर को स्वस्थ रखने के लिए की जाने वाली एक उपयोगी क्रिया। हेल्थ एक्सपर्ट की माने तो सूर्य नमस्कार
12 चरणों में चक्रीय रूप से किए जाने वाला कार्डियोवास्कुलर वर्कआउट है, जिसे शरीर के लिए काफी लाभकारी माना जाता है, जिसे सुबह का अभ्यास भी कहा जाता है। ये 12 आसनों का एक योग है, जिसके जरिए शरीर के सभी चक्रों को उत्तेजित किया जाता है। सूर्य नमस्कार पर तकरार के बीच अब नजरें हाईकोर्ट के फैसले पर हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज 18 राजस्थान। और वही धौलपुर भरतपुर में जाट आरक्षण को लेकर जाट प्रतिनिधियों ने दिल्ली में ओबीसी आयोग से मुलाकात की। प्रतिनिधिमंडल पीएचडी मंत्री कन्हैयालाल चौधरी के नेतृत्व में दिल्ली पहुंचा। विधायक डॉक्टर शैलेश दिगंबर सिंह, नेम सिंह फौजदार समेत कई प्रतिनिधि दिल्ली पहुंचे। जाट आरक्षण को लेकर ओबीसी आयोग अध्यक्ष हंसराज अहीर के साथ दिल्ली में आज अहम बातचीत हुई। मंत्री कन्हैयालाल चौधरी ने मीडिया से कहा कि ओबीसी आरक्षण धौलपुर भरतपुर के जाटों का हक है। सीएम भजनलाल शर्मा आरक्षण दिलवाना चाहते हैं। राजपरिवार के बहाने आम जाट को आरक्षण से वंचित ना किया जाए। राजस्थान के अंदर 2017 के अंदर भरतपुर धौलपुर के जाटों को जो वापस सूची में जोड़ा गया राजस्थान सरकार ने, उसके बाद में केंद्र में ओबीसी की आयोग की सूची में कैसे जुड़े, किस तरह से हमें ओबीसी का आरक्षण मिले भरतपुर धौलपुर को, तो तब से रेगुलर प्रयास कर रहे थे। आज हम सब जनप्रतिनिधियों ने और हमारी जो संघर्ष समिति की पूरी टीम जो भरतपुर से आई है, बैठ के आयोग के चेयरमैन साहब से हमने बातचीत की, हमने पक्ष रखा, उन्होंने धैर्यपूर्वक हमारी बात सुनी और उन्होंने माना कि वास्तव में इनकी जो मांग है बिल्कुल जायज है। धरना स्थल पर पहुंचेंगे, लोग हमारा इंतजार कर रहे हैं, उनको जाके सरकार ने जो सकारात्मक पक्ष पूरी मजबूती के साथ हमारा रखा है, ये हम समाज के बीच में जाके रखेंगे। निश्चित तौर पर राजस्थान सरकार ने हमारी एक सच्ची वकालत होती है, वकालत की, हम सरकार से संतुष्ट हैं। जाकर फैसला, हम 5 लोग 8 लोग यहाँ आए हैं, वो तो हम नहीं कर सकते, फैसला वहाँ जाकर निश्चित तौर पर हम सोच समझ के अच्छा ही करेंगे। जिस तरह से सरकार हमारे पक्ष में, हम भी सरकार के साथ खड़े रहेंगे। सोमवार को जयपुर के बाल सुधार गृह से फरार होने वाले 23 बाल अपचारियों के मामले में बड़ा खुलासा हुआ है। पुलिस सूत्रों की माने तो इस पूरे मामले में गैंगस्टर लॉरेंस बिश्नोई और रोहित गोदारा का नाबालिग शूटर मास्टरमाइंड है। और सबसे बड़ी बात यह कि फरार होने वाले 23 बाल अपचारियों में वो भी शामिल है। रिपोर्ट देखिए। गैंगस्टर्स के निशाने पर नाबालिग, बाल सुधार गृह फरारी मामले में खुलासा। लॉरेंस का नाबालिग शूटर निकला मास्टरमाइंड। सूत्रों के हवाले से 23 बाल अपचारियों की फरारी मामले में जो खबर सामने आई है, अगर उस पर यकीन करें तो साफ है कि जयपुर में अब गैंगस्टर अपने पैर पसार रहे हैं। सोमवार को जयपुर के बाल सुधार गृह से लोहे की खिड़की काटकर जो 23 बाल अपचारी फरार हुए, उनमें से 4 को पकड़ लिया गया है। लेकिन जो खुलासा हुआ है वो डराने वाला है। जानकारी के मुताबिक बाल सुधार गृह से जो फरार होने वाले बाल अपचारी हैं, उनमें लॉरेंस का नाबालिग शूटर भी शामिल है। ट्रांसपोर्ट नगर थाना पुलिस की अब तक की जांच में ये बात सामने आई है कि इस पूरे मामले का मास्टरमाइंड वही नाबालिग शूटर हो सकता है। 1 साल पहले जवाहर सर्कल इलाके में जी क्लब पर हुई फायरिंग मामले में उसे बाल सुधार गृह भेजा गया था। पुलिस पड़ताल में इस बात का खुलासा भी हुआ है कि 28 जून 2023 को भी बाल संप्रेक्षण गृह से 15 बाल अपचारी फरार हुए थे, लेकिन पुलिस मुठभेड़ के दौरान पैर में गोली लगने के चलते रोहित गोदारा गैंग का नाबालिग शूटर भागने में कामयाब नहीं हो पाया। जानकारों की माने तो पिछले 1 महीने से बाल सुधार गृह से फरार होने के प्लान पर काम किया जा रहा था। वो इस तरफ इशारा करता है कि मामला इतना सीधा नहीं है जितना कल तक समझ में आ रहा था। बाल अपचारियों ने जिस तरीके से रात के अंधेरे में अपने प्लान को अंजाम दिया, वो दूसरी तरफ इशारा कर रहा है। सवाल ये भी है कि आखिर खिड़की की जाली को काटने के लिए कटर का इंतजाम किसने किया? दूसरा ये कि बाल सुधार गृह में बाल अपचारियों तक इसे किसने पहुंचाया? हालांकि पुलिस पूरी संजीदगी से मामले की तह तक जाने की कोशिश कर रही है, लेकिन अब तक की जांच में ये सामने आया है कि साजिश के तहत चोरी छिपे गैस कटर मंगवाया गया। इसी गैस कटर से स्टोर रूम का ताला तोड़कर लोहे की भारी खिड़की का थोड़ा थोड़ा हिस्सा काटकर रास्ता बनाया गया। लेकिन सवाल वही कि स्टोर रूम की चाबी गार्ड के पास होती थी तो फिर उनके पास वो कैसे पहुंची?
जयपुर के बाल सुधार गृह से फरार होने वाले बाल अपचारी 15 से 18 साल के हैं, जिन पर चोरी और हत्या के गंभीर आरोप हैं। लेकिन इन सबके बीच खौफ पैदा करने वाली बात यह है कि उस नाबालिग का इनके बीच होना, जो लॉरेंस गैंग से सीधे ताल्लुक रखता है। ऐसे अगर ये मामला लॉरेंस बिश्नोई गैंग से जुड़ा है तो ये काफी खतरनाक हो सकता है, क्योंकि राजस्थान में पहले से ही गैंग वॉर को लेकर पुलिस अलर्ट है। जयपुर से न्यूज 18 के लिए विष्णु शर्मा की रिपोर्ट। मुख्यमंत्री भजन लाल शर्मा ने गोविंदपुरा बासड़ी में शहीद रोहिताश लांबा की मूर्ति का अनावरण किया। कार्यक्रम में कृषि मंत्री किरोड़ीलाल मीणा, यूडीएच मंत्री झाबर सिंह खर्रा भी मौजूद रहे। इस अवसर पर संबोधित करते हुए सीएम ने कहा कि राजस्थान वीर सपूतों की धरती है। पहले आतंकियों पर कोई कार्रवाई नहीं होती थी, लेकिन देश विरोधी काम करने वालों को अब बख्शा नहीं जाएगा। आतंकियों को हमारे जवान मुंहतोड़ जवाब दे रहे हैं। तो ये दो तस्वीरें आप देख रहे हैं, प्रतिमा का अनावरण किया गया और सीएम का इससे पहले कार्यक्रम में शामिल होने के लिए सम्मान किया गया। आज मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा भरतपुर के दौरे पर थे, जहां गोविंदपुरा बासड़ी में शहीद रोहिताश लांबा की मूर्ति का अनावरण किया। कार्यक्रम में कृषि मंत्री किरोड़ीलाल मीणा और यूडीएच मंत्री झाबर सिंह खर्रा भी मौजूद रहे। एक ऐसे एक लाडले सपूत को जन्म दिया जिसने मां भारती की सेवा करते हुए अपने प्राणों को नौछावर कर दिया। मैं पुनः ऐसे शहीद रोहिताश लांबा को नमन करता हूं, सलाम करता हूं। आज मुझे गर्व की अनुभूति हो रही है कि ऐसे जाबाज शहीद श्री रोहिताश लांबा की मूर्ति अनावरण के कार्यक्रम में मैं शामिल हुआ हूं। ये अवसर मुझे मिला है। मैं माननीय डॉक्टर किरोड़ीलाल जी और उन सभी आयोजकों को, क्योंकि किरोड़ीलाल जी डॉक्टर साहब ने मेरे से कहा था कि आपको इस कार्यक्रम में आना है। मेरे को कहीं एक आध दिन पीछे था, मेरे को कहीं कार्यक्रम पहले था, तो आपने कहा कि नहीं इस कार्यक्रम में आना है। सभी आयोजकों का मैं बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं कि ऐसे कार्यक्रम में मुझे उन्होंने बुलाया। अब अलवर से खबर आ रही है, जहां पर नगर निगम की बोर्ड की बैठक में जमकर हंगामा हुआ और इसी बीच करीब 300 करोड़ रुपए के बजट को पास किया गया। बैठक के बीच में मेयर घनश्याम गुर्जर और पूर्व नेता प्रतिपक्ष नरेंद्र मीणा के बीच में जमकर बहस हो गई। मंच पर ही राज्य सरकार में वन मंत्री और अलवर शहर के विधायक संजय शर्मा भी मौजूद थे। सबसे पहले पूर्व नेता प्रतिपक्ष नरेंद्र मीणा ने वन मंत्री को अपनी तरफ ध्यान खींचने को कहा, तो मंत्री ने जवाब दिया कि आप मेयर घनश्याम गुर्जर को संबोधित करें। लेकिन इस बीच बड़ी खबर हनुमानगढ़ से आ रही है। इस बड़ी खबर को बताते हैं, मकान में भीषण आग लग गई है, घर में रखे पेट्रोलियम पदार्थों से आग लगी है। हनुमानगढ़ के नोहर से बड़ी खबर है, जहां पर मकान में भीषण आग लगी, आग लगने से जिंदा जली है महिला, घर में रखे पेट्रोलियम पदार्थों से आग लग गई। आग लगने के बाद आसपास के मकान को खाली करवाया गया, करीब 5 घंटे की मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया। एक्सक्लूसिव तस्वीर न्यूज 18 राजस्थान पर, नोहर हनुमानगढ़ में घर में आग लग गई और आग घर के अंदर रखे हुए पेट्रोलियम पदार्थों में लगी, ज्वलनशील पदार्थों में लगी, और इसी वजह से यह आग धधकती हुई। आप देख रहे हैं किस तरीके से यह आग की लपटें निकलकर बाहर आ रही हैं और यह ज्वलनशील, या यूं कहें कि पेट्रोलियम पदार्थों में आग लगी, इसीलिए आग तेजी से भड़की, विकराल रूप लिया आग ने और आसपास के जो घर थे उनको खाली कराया गया। हालांकि आग पर काबू पाया गया, लेकिन 5 घंटे लगे इस आग को काबू में करने के लिए। लेकिन इस आग लगने की घटना में एक महिला जल गई है, जिंदा जल गई है। तो आग जैसे ही लगी आसपास के लोग इकट्ठा हो गए, पुलिस को बुलाया गया, साथ ही साथ दमकल की टीम वहां पर पहुंची, कड़ी मशक्कत की गई, 5 घंटे तक लगातार इस आग को बुझाने की कोशिश की गई। आसपास के जो घर थे, मकान थे, उनके लोगों को बाहर निकाला गया, क्योंकि आग और फैल सकती थी बराबर के घरों में। फिलहाल आग को बुझा लिया गया है। राज्यसभा के लिए प्रदेश से 3 सदस्य चुनकर भेजे जाएंगे और राज्यसभा के लिए नामांकन भी शुरू हो गए हैं। इस बीच बीजेपी ने राज्यसभा की 2 सीटों पर उम्मीदवारों के नाम का ऐलान कर दिया है। कौन है वो 2 उम्मीदवार, आइए इस रिपोर्ट में जानते हैं।
दोनों को टिकट दिया गया है, मदन राठौर सुनीला गराशिया, ये हर्ष का विषय है। अच्छा काम करने वालों को निश्चित रूप से पार्टी कहीं कहीं जिम्मेदार। दोनों ही कार्यकर्ता तपे तपाई कार्यकर्ता है, दृष्टि से भी सामाजिक ताने बाने की दृष्टि से भी बहुत ही एक अच्छा मैसेज संदेश है। मोदी जी है तो मुमकिन है। चुनाव से पहले कैसे चुनावी गणित लगाया जाता है, बीजेपी इसमें माहिर है। देश में 15 राज्यों में राज्यसभा के 56 सदस्यों का चुनाव होना है, इसीलिए नामांकन शुरू हो चुका है। इस बीच बीजेपी ने राजस्थान में अपने दो उम्मीदवारों की घोषणा कर दी है। जो काम करता है चाहे आगे बैठता है चाहे पीछे बैठता है जी। उसके ऊपर सबकी नजर है और अच्छा काम करने वालों को निश्चित रूप से पार्टी कहीं कहीं जिम्मेदारी। पार्टी ने राज्यसभा की दो सीटों पर आदिवासी और ओबीसी चेहरों को टिकट देकर अपने इरादे साफ कर दिए हैं। मदन राठौर चुन्नीलाल गरासिया को राज्यसभा भेजने की तैयारी कर ली है। मोदी जी है तो मुमकिन है, ये सब पता ही है। तो हमने धैर्य रखा तो धैर्य का फल तो मिलता ही मिलता है। मदन राठौर और चुन्नीलाल गरासिया के जरिए बीजेपी ने आदिवासियों के साथ मूल ओबीसी वोट को अपने साथ रखने की रणनीति बनाई है। पागड़ अंचल में भारतीय आदिवासी पार्टी की बढ़ती ताकत को रोकने के लिए उसने बुजुर्ग खाटी आदिवासी नेता चुन्नीलाल गरासिया पर दांव खेला है। गरासिया की उदयपुर के ग्रामीण अंचल से लेकर डूंगरपुर, बांसवाड़ा, प्रतापगढ़, सलूंबर के इलाके के दूर दराज के आदिवासी गाँव में मजबूत पकड़ है। दोनों बहुत पुराने कार्यकर्ता है, वरिष्ठ कार्यकर्ता है, समर्पित कार्यकर्ता है, सक्रिय कार्यकर्ता है। एक मूल आदिवासी और एक मूल ओबीसी, तो इस दृष्टि से भी सामाजिक ताने बाने की दृष्टि से बहुत ही एक अच्छा मैसेज संदेश इससे है। चुन्नीलाल गरासिया और मदन राठौर की उम्मीदवारी पर बीजेपी नेताओं ने पार्टी के शीर्ष नेतृत्व का आभार व्यक्त किया है। दोनों ही कार्यकर्ता तपे तपाई कार्यकर्ता हैं, जिनका एक राजनीतिक अनुभव भी है, राजनीतिक वजूद भी है, संगठन के साथ साथ क्योंकि वो जनप्रतिनिधि रहे इसलिए उनको जनता के नब्ज का भी ठीक तरीके से ध्यान है। आज बड़ी प्रसन्नता की बात है कि धरातल के कार्यकर्ता, जब एक मुख्यमंत्री धरातल का कार्यकर्ता है, उसी के अनुसरण में इन दोनों को टिकट दिया गया है, मदन राठौर चुन्नीलाल गरासिया, ये हर्ष का विषय है। बीजेपी एक तरफ राम लहर तो दूसरी ओर कांग्रेस से छिटक रहे वोट को अपने पाले में लाकर लोकसभा चुनाव के लिए जीत का गणित मजबूत करने में जुटी है। चुन्नीलाल गरासिया और मदन राठौर की उम्मीदवारी पार्टी कार्यकर्ताओं को काम करने के लिए प्रेरित भी करेगी कि आज नहीं तो कल पार्टी के प्रति समर्पण का भाव बरकरार रखा तो उनका नंबर भी जरूर आ सकता है। मेवाड़ वागड़ अंचल में बीजेपी की बढ़ती ताकत कांग्रेस और बीजेपी दोनों के लिए परेशानी का सबब बनी हुई है। लोकसभा का चुनाव सामने है, ऐसे में बीजेपी ने आदिवासियों को और अपने करीब लाने के लिए चुन्नीलाल गरासिया को राज्यसभा में भेजने का फैसला किया है, ताकि लोकसभा चुनाव में एक मुश्त आदिवासियों का वोट उसके खाते में आए। तो दूसरी ओर मदन राठौड़ को राज्यसभा भिजवाकर बीजेपी मूल आदिवासी वोटों को अपने साथ बनाए रखना चाहती है और लोकसभा चुनाव में इसका कई सीटों पर फायदा उठाना चाहती है। कैमरा पर्सन दिलीप चेची के साथ बाबूलाल धायल, न्यूज 18 जयपुर। इधर अलवर नगर निगम की बोर्ड की बैठक में जमकर हंगामा हुआ और इसी बीच करीब 300 करोड़ रुपए के बजट को पास किया गया। बैठक के बीच में मेयर घनश्याम गुर्जर और पूर्व नेता प्रतिपक्ष नरेंद्र मीणा के बीच में जमकर बहस हुई। मंच पर ही राज्य सरकार में वन मंत्री और अलवर शहर के विधायक संजय शर्मा भी मौजूद थे। सबसे पहले पूर्व नेता प्रतिपक्ष नरेंद्र मीणा ने वन मंत्री को अपनी ओर ध्यान खींचने को कहा तो मंत्री ने जवाब दिया कि आप मेयर घनश्याम गुर्जर को संबोधित करें, मैं यहां एक विधायक के तौर पर मौजूद हूं। तब मीणा ने कहा कि मेयर तो नाम के हैं, काम कुछ नहीं कर पाते हैं। इसके बाद दोनों के बीच में तीखी बहस। बैठक में हमारा आदरणीय मंत्री जी ने बोला था कि सभी पार्षदों को बोलने का मौका दिया जाएगा, उन्होंने पहली बात तो मुझे बोलने का मौका ही नहीं मिला। मैंने उनसे एक सुझाव रखा था कि आप कह रहे हो शहर के विकास की बात है, विकास की बात है तो दो साल से सभापति बने हो गए, अगर इनको शहर का विकास चाहिए तो कमेटी गठित क्यों नहीं करते? भाई कमेटी गठित करेंगे तो काम और प्रॉपर होगा, शहर का विकास होगा। आज जो ये मीटिंग हुई है, ये मीटिंग ना के बराबर हुई है, कोई सुनवाई नहीं है, महापौर जी को कुछ भी नहीं मालूम कि किस प्रकार एक लेडीज की किस रिस्पेक्ट की जाती है। आधा घंटा खड़े होने के बाद भी मेरी कोई सुनवाई नहीं गई हुई। आप लोगों के माध्यम से सिर्फ मैं 3 पॉइंट करना चाहती हूँ कि एरोरम रोड पर सीवरेज नहीं हुआ, लाइट वाले चौराहे को गुरु तेग बहादुर जी का नाम दिया गया है उसके लिए सैंक्शन नहीं किया गया,
परवीन चौधरी जिसने ठेके तो इतने ले रखे हैं लेकिन काम के नाम पे नहीं किया। जो प्रशासनिक अधिकारियों को लेकर जो सदन में बातें आई हैं उनके लिए मैंने सरकार के मंत्री महोदय को भी बताया है और आगे भी कहूंगा, अगर ऐसी हमारे पार्षद साथियों के साथ कोई अभद्रता हो रही है उसको सहन कोई भी पार्षद नहीं करेगा, आगे इसकी कार्रवाई को करवाएंगे।